NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष. आपको पता है कि आजकल बीजेपी JDU में घमासान छिड़ा हुआ है और अब तो RSS की जासूसी प्रकरण के बाद ये दूरी बहुत बढ़ गई है. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच का गांठ पड़ा हुआ भरोसा फिर टूट की दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है. दोनों दल भले ही आपसी तालमेल बनाए रखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इनके रिश्ते में आए कील कांटे अब छिपाए नहीं छिप रहे हैं. बिहार में सक्रिय RSS और उसके सहयोगी 18 संगठनों से जुड़े सभी पदाधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का एक सरकारी प्रयास सबसे बड़ा कांटा बनकर उभरा है. 28 मई को राज्य पुलिस की स्पेशल ब्रांच के पुलिस अधीक्षक ने अति आवश्यक विभागीय पत्र जारी करके सभी जिलों से ऐसी खुफिया जानकारी मांगी थी. चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस महकमे के भी मंत्री हैं, इसलिए समझा जाता है कि इतने संवेदनशील मामले पर उनकी सहमति जरूर ली गई होगी, खासकर जब संघ परिवार से जुड़ी BJP इस राज्य में नीतीश सरकार की साझेदार हो, तब ऐसी जासूसी कराना वाकई हैरत वाली बात है. RSS और BJP खेमे में इस बाबत रोष और विरोध के स्वर तीखे होने लगे हैं और राज्य सरकार के विभागीय पुलिस प्रमुख ने इस स्पेशल ब्रांच के SP की निजी पहल या रूटीन कार्रवाई बताकर बचाव की कोशिश की है सरकार की. लेकिन नीतीश खुद खामोश रहे, क्योंकि राज्य सरकार के बचाव में दिए जा रहे तर्क अविश्वसनीय ही नहीं बल्कि बेतुके भी लग रहे हैं. विभागीय मंत्री या संबंधित बड़े अधिकारियों की जानकारी के बिना किसी एक पुलिस अफसर की ओर से ऐसी सूचनाएं एकत्रित करने वाली बात किसी को पच नहीं रही है. अब सवाल यह है उठता है कि आखिर RSS पर नीतीश की टेढ़ी नजर क्यों है. दरअसल पिछले कुछ सालों में संघ का बहुत तेजी से बिहार में विस्तार हुआ है. सर संघ संचालक मोहन भागवत इस साल बिहार के दौरे पर 3 बार आ चुके हैं. उनका मकसद बिहार में संघ का विस्तार करना और संघ के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज खड़ा करना है. संघ प्रमुख के बिहार प्रवास से संघ को राज्य में एक नई धार मिल रही है. 2013 में जहां संघ में शामिल होने के लिए महज 25,000 ऑनलाइन आवेदन आए थे, जो 2017 तक बढ़कर 1.25 लाख और अब 1.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं. बिहार में संघ द्वारा साल में 242 साप्ताहिक मिलन समारोह का आयोजन होता है और 147 मंडलियां संचालित हो रही हैं. भागवत ने फरवरी महीने के अपने बिहार प्रवास के दौरान स्वयं सेवकों को कई महत्वपूर्ण टास्क दिए थे. मसलन ज्यादा से ज्यादा शाखाएं लगाना है, संघ की विचारधारा से शहर के साथ साथ गांव के लोगों को अवगत कराना है और संघ से जुड़े लोगों को किसानों के बीच जाकर उनसे आत्मीयता बनाना है. किसानों से संपर्क कर संघ के लोग उन्हें जैविक खेती के गुर सिखा रहे हैं, जैविक खेती के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके हर छोटे मोटे काम में सहयोग देकर उन्हें संघ से भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश रंग लाती हुई दिख रही है. नवादा में 19 मई से 9 जून तक यानी 20 दिनों का शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में भाग लेने खुद सर संघ संचालक भागवत आए थे. जाहिर है संघ का प्रभाव बिहार में तेजी से बढ़ रहा है. संघ के इसी विस्तार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित हैं. कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दुबे क्लिनिक लंगरटोली चौराहा पटना. उनको पता है कि BJP के साथ रहने पर तो संघ बड़ी ताकत है, लेकिन BJP से अलग होने के बाद यही संघ उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती बनने वाला है. जाति के बंधन से लोगों को बाहर निकालकर उनको हिंदुत्व के नाम पर गोलबंद करने की संघ की जो महारत है, उससे नीतीश कुमार बखूबी परिचित हैं. संघ के इसी रणनीति की वजह से उत्तर प्रदेश में दलित हिंदुत्व के नाम पर दलितों को हिंदुत्व के नाम पर गोलबंद BJP ने कर लिया और जिस तरह से दलित उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व के नाम पर BJP के साथ गोलबंद हुए, मायावती मुलायम का खाता बंद हो गया. दलितों के हिंदुत्वीकरण के संघ के इस सफल प्रयोग को भला नीतीश कुमार नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, तो उनको चिंता सता रही है कि कहीं बिहार में भी संघ अपने बढ़ते प्रभाव का इस्तेमाल करके जो यहाँ पर अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, दलित हैं, उनका कहीं हिंदुत्वीकरण न कर दे, हिंदुत्व के नाम पर उनको अपने पक्ष में कहीं गोलबंद न कर दे. अगर ऐसा होता है
तो नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और इसी बात को ध्यान में रखकर वो अभी से आरएसएस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। तो जो आरएसएस की जासूसी का पत्र सामने आया है उसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार सरकार के मंत्री और विधायक सफाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, और इस चुप्पी से काफ़ी नाराज हैं बीजेपी के संघ से जुड़े नेता, और उनका कहना है कि बगैर मुखिया के इशारे के इस तरह की जरूरत, इस तरह की हिम्मत कोई अधिकारी नहीं कर सकता है। तो बीजेपी के नेता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए बिना इस तरह के जांच का आदेश, इस तरह की खुफियागिरी का आदेश कोई पुलिस अधिकारी कर सकता है। तो ये जो तकरार शुरू हुई है किस हद तक जाएगी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी नीतीश कुमार की मजबूरी बीजेपी है और बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार है, दोनों साथ रहने के वो मजबूर हैं जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं खुलता है। हालांकि आरजेडी ने कह दिया है कि पहले आप बीजेपी को छोड़िए तब बात होगी, तो जब बीजेपी को छोड़ेंगे नीतीश कुमार तो उनके साथ आरजेडी फिर से हो सकती है। तो नीतीश कुमार के पास तो एक विकल्प है आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने का, लेकिन बीजेपी किसके साथ जाएगी, किसके भरोसे सरकार बनाएगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बीजेपी भी नहीं चाहती है कि अभी ये गठबंधन टूटे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि धारा 370 और राम मंदिर को लेकर नीतीश कुमार का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो अभी यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इन मुद्दों का विरोध करते हुए सरकार में बने रहेंगे और विधानसभा चुनाव आने के ठीक पहले वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो संघ से क्यों चिंतित है नीतीश कुमार, अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।